चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ निमसेट की सीरीज का। ये पार्ट फोर है, अभी तक पार्ट थ्री हम लोग अपलोड कर चुके हैं और इन पार्ट्स में बहुत ही ज्यादा रिस्पांस आया है। यहां पर हम पांच क्वेश्चन देंगे और आप कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे हम लोग अप्रिसिएट करेंगे और लास्ट में आपके रिजल्ट्स को, आपके नाम को अनाउंस करेंगे। आज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस। तो आप देखते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। इफ ए बराबर कॉस का थीटा प्लस साइन का फोर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ए लाइज, तो पहला ऑप्शन है ए लाइज बिटवीन वन एंड टू, ए लाइज 13/16 and 1, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 3/4 to 13/16 एंड डी ऑप्शन है 3/4 to 1। बहुत ही रटड़ाया क्वेश्चन है, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, आप जरूर इसको सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 cos x + sin x = 3 इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए ऑप्शन है 2nπ + -π/6, बी ऑप्शन है 2nπ + -π/3, सी ऑप्शन है nπ + -π/6 और डी ऑप्शन एन ऑफ दीज। आप इसके भी आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, द इक्वेशन 2 sin² θ - 3 sin θ - 2/0, इसके भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने, तो nπ + -1 की पावर n π/6, पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन nπ - +1 की पावर n π/2 एंड सी ऑप्शन है nπ + -1 की पावर n 5π/6 एंड डी ऑप्शन है nπ + -1 की पावर n 7π/6। चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ sin x + 1 = cos x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 and 2π, क्या सॉल्यूशन हो गए? ऑप्शन ए है 0π, बी ऑप्शन है 0π/2 और सी ऑप्शन है 2/3π/2 एंड डी 0.3π/2 एंड डी ऑफ। पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पांचवें बहुत इंपॉर्टेंट है। पी बराबर sin² θ एंड cos² θ, इक्वेशन इक्वलिटीज होल्ड फॉर वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर p > 1, p 0 and 1 के बीच में लाई करें, स्ट्रिक्टली यहां पर ओपन है, यहां क्लोज है, और p 1 2 3 एंड p लाइज 0 and 1, स्ट्रिक्टली 0 and 1 को लिया गया है। ये पांच क्वेश्चन से, पांच क्वेश्चन के आंसर आपको देने, फटाफट आप देते रहिए। एक बात और बता दें कि ऐसा मत सोचे कि आज ही अपलोड हुआ है तो आज ही क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। अब जब तक आपको क्वेश्चन के आंसर, मतलब एक दो दो तीन दिन आप ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि प्राइस तो आपको मिलेगा मिलेगा, एक तो ये एक थोड़ी सा कॉम्पिटेटिव या आपको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है, इसके लिए सीरियस है। बट आप सोचो कि अगर लास्ट में, एग्जाम के लास्ट में आप कुछ दिन पहले आप एक टॉपिक के इकट्ठे क्वेश्चंस चाहते हैं और अगर आप कमेंट करेंगे तो वहां आंसर भी रहेंगे, तो आपको बहुत ही फायदा होगा, आप क्यों रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें सारे जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी निमसेट या एमसी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग प्लीज सपोर्ट करिए और इस पर आइए, आप कमेंट करिए, ये आपके लिए हो रहा है। बहुत ज्यादा लाइक इस तरीके की नहीं कि यार चैनल को बहुत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की जा रही, तो ठीक है, हम लोग का भी एक एंड होता है कि हम लोग भी अपना करते हैं। बट अल्टीमेटली इसका मोटिव क्या है कि एक जगह आपको क्वेश्चन एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। फटाफट आप आंसर्स करें और आगे बढ़ते रहें, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्लिक करिए और आगे बढ़ते रहिए। निमसेट्स और ऐसे बहुत सारे पेपर्स के हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस और सॉल्यूशन देखते हैं, जैसा कि ये जानते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मारुला क्लासेस को क्विक रिव्यू करिए, एमसीए का एक स्ट्रांगेस्ट सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, और अप्रिसिएट करते रहिए और आगे कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू।